अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर टू डे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड सेक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट पार्ट जो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को शुरू किया हुआ था, उसके 8 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आप लोग उसकी प्रैक्टिस भी कर लें, उनको अच्छे तरीके से सीख भी लें आप लोग। आज हम सेकंड सेक्शन स्टार्ट करेंगे। इस हिस्से में से 6 सवाल स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिनमें से 3 सवाल जो हैं वो हल करने होते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जुज़वी मुआशियात क्या होती है? स्टूडेंट्स इजाबी मुआशियात को तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जुज़वी मुआशियात, कुल्ली मुआशियात और रियाजियाती मुआशियात। रियाजियाती मुआशियात के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, जुज़वी मुआशियात के बारे में हम आज पढ़ना शुरू करेंगे और कुल्ली मुआशियात जो है उसके बारे में हम फोर्थ ईयर की क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स जुज़वी मुआशियात क्या है? जुज़वी मुआशियात की इब्तिदा स्टूडेंट्स उस वक्त हुई जब क्लासिकी मकतब फिकर के बानी एडम स्मिथ ने माशियात को एक बाकायदा इल्म की हैसियत से मुतारिफ करवाया और माशी मैदान में डॉक्टर केन्स की आमद से पहले तक इसका खूब चर्चा रहा। माइक्रो के मानी 10 लाखवां हिस्सा बनते हैं और इसको समाल यानी छोटों के मानों में लिया जाता है। स्टूडेंट्स इसमें मईशत के मुख्तलिफ शोबों का अलग अलग छोटे हिस्सों में जायजा लिया जाता है और माशी निजाम की छोटी इकाइयों को जेरे बहस लाया जाता है, मसलन सारफ के रवैये का जायजा। स्टूडेंट्स शेय की तलब और रसद के बारे में इसमें देखा जाता है, कीमत का तायुन, फर्म के मसाइल और इसके तवाजुन की मुख्तलिफ सूरतें, इसके अलावा आमलीन पैदाइश के मुआवजों का तायुन का मसला जो है जुज़वी मुआशियात में काफी अहमियत के हामिल है। जुज़वी मुआशियात के मुताले का एक अहम पहलू ये है कि स्टूडेंट्स छोटी छोटी इकाइयों का माशी तज्जिया करते वक्त माहरीन ये फर्ज कर लेते हैं, क्लासिकी माहरीन, कि मईशत हर वक्त मुकम्मल रोजगार की सतह पे रहती है, जिसकी वजह से बेश पैदावारी और बेरोजगारी मुमकिन नहीं होती। लिहाजा मसला सिर्फ ज़राए की तख़सीस का होता है जो कि कीमतों की मेकानियत से हल हो जाता है यानी कीमतों के निजाम से। लिहाजा कीमतों को महवर की हैसियत हासिल होती है। तो स्टूडेंट्स ये था जुज़वी मुआशियात का तारुफ यानी जुज़वी मुआशियात क्या है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, जुज़वी मुआशियात के हिस्से में से जो है नजरिया रवैया सारफ, यानी एक सारफ जो है वो मुख्तलिफ अशिया को खरीदते वक्त किस किस्म का रवैया अपनाता है। इसमें हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अफादे की तरतीबी पेमाइश का नजरिया या खतूत अदम तरजीह या गैर जानबदारी का नजरिया भी कहते हैं। स्टूडेंट्स सारफ के रवैये के सिलसिले में हम दो तरह के नजरिया जो हैं वो जेरे बहस लाते हैं, एक कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जिसको कानून मसावी अफादा मुख्तदिम भी कहते हैं और अफादा की तरतीबी पेमाइश का नजरिया जिसे खते अदम तरजीह या गैर जानबदारी का नजरिया कहते हैं। तो आज हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को डिस्कस करते हैं। प्रोफेसर एजवर्थ प्रीटो, प्रोफेसर जे आर हिक्स और प्रोफेसर आर जी डी एलन जदीद माहरीन हैं जिन्होंने सारफ के रवैये के का जायजा लेने के लिए नजरिया अदम तरजीह के खतूत को पेश किया। इस नजरिए के मुताबिक स्टूडेंट्स एक सारफ जो है वो अपनी ख्वाहिशात को ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है, अपनी आमदनी को मुख्तलिफ मुद्दात पर मुख्तलिफ अशिया पर इस तरह से खर्च करता है
और मुख्तलिफ मिकदारें मुख्तलिफ कीमतों पर इस तरह से खरीदता है कि उन अशिया के बाज़ जुटिया मजमूए उसे यकसां तस्कीन फराहम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, खते अदम तरजीह जो है वो बेसिकली मुख्तलिफ अशिया के ऐसे ही जोड़ों से तरतीब पाता है जो किसी सारफ को यकसां तस्कीन देते हैं। खतूत अदम तरजीह की डेफिनेशन स्टूडेंट्स इस तरह से बयान की जा सकती है कि खत अदम तरजीह से मुराद एक ऐसा खत है जो दो अशिया के उन मखसूस मजमुओं या जोड़ों को जाहिर करता है जिनसे एक सारफ को यकसां तस्कीन हासिल होती है और सारिफ इनके दरमियान गैर जानिबदार रहते हुए कोई भी एक मजमुआ मुंतखब कर लेता है। स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि सारफ ने हमेशा दो अशिया को खरीदना है, यानी उसने किसी भी शय को अकेला नहीं खरीदना, वो हमेशा दो अशिया के जोड़े खरीदता है और दो अशिया के मुख्तलिफ जोड़े जो एक सारफ को यकसां तस्कीन फराहम करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो जितने भी जोड़े खरीदता है वो तमाम के तमाम जोड़े किसी सारफ को यकसां तस्कीन फराहम करते हैं, एक जैसा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, इसलिए सारफ के लिए तमाम के तमाम जोड़े एक जैसी अहमियत के हामिल हैं और वो किसी एक जोड़े को किसी दूसरे जोड़े पर तरजीह नहीं देता। इसकी वजाहत स्टूडेंट्स, खते अदम तरजीह को हम एक गोशवारे और डायग्राम की मदद से अखज कर सकते हैं। इसके लिए आपको गोशवारा जो है वो नजर आ रहा है। गोशवारे में स्टूडेंट्स पहले कॉलम में अशिया के मजमुए या जोड़े दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में आम, तीसरे कॉलम में केले और चौथे कॉलम में तस्कीन का मियार जाहिर किया गया है। फर्ज कर लेते हैं कि एक सारिफ जो है वो दो अशिया खरीदता है, यानी आम और केले। पहला जोड़ा जो वो खरीदता है उसमें वो एक आम और 10 केलों का जोड़ा बनाता है और जो उसको इस जोड़े से तस्कीन हासिल होती है वो बी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन से जाहिर किया गया है, यानी कोई भी लेवल बी उन्होंने कह दिया है इसको, आप सी भी कह सकते हैं, ए भी कह सकते हैं। दूसरे जोड़े में स्टूडेंट्स आम की मिकदार बढ़ गई है और केले की मिकदार जो है वो कम हो गई है, मतलब वो एक मजीद आम खरीदता है जिसकी वजह से वो 4 किलों को छोड़ देता है, यानी 2 और 6 का एक जोड़ा जो है वो बन जाता है आम और केलों का, और ये जोड़ा जो है दूसरा जोड़ा भी एक सारिफ को उतनी ही तस्कीन देता है जितनी के पहला जोड़ा देता है। फिर स्टूडेंट्स तीसरे जोड़े में सारिफ आम की एक मजीद इकाई को बढ़ा देता है, 2 से 3 कर देता है और केले की 3 इकाइयां छोड़ देता है, यानी वो 6 से 3 कर देता है। तो इस तरह से 3 आम और 3 केलों का जोड़ा भी उसको बी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ही फराहम करता है। चौथा जोड़ा स्टूडेंट्स वो फिर मजीद एक आम की इकाई को बढ़ाता है और आम की एक मजीद इकाई हासिल करने के लिए वो केले की 2 इकाइयां छोड़ देता है और 4 आम और 1 केले का जोड़ा भी उसको बी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ही फ्राहम करता है। तो स्टूडेंट्स ये थे 4 जोड़े जो एक सारफ आम और केलों के खरीदते हैं और तस्कीन का एक सा मियार जो है वो एक सारफ को फ्राहम करते हैं सारे के सारे जोड़े। तो इन तमाम जोड़ों को मिलाने से जो खत हमारे पास बनेगा उसको हम खत अदम तरजीह या इनडिफरेंस कर्व से जाहिर करेंगे। ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हमने आम लिया है और वाई एक्सिस पे हम केले लेते हैं गोशवारे के मुताबिक। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आम और केलों के हिसाब से स्केल अप कर लें आप लोग। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें कि अब हमने ए जोड़ा बनाना है जो कि पहले जोड़े को शो करता है। यहाँ पर आम जब 1 लिया है उस आर्फ ने, जब 1 आम लेता है तो 10 केले लेता है, तो हमारे पास ए पॉइंट हासिल हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स जब आम की मिकदार को बढ़ाता है यानी 2 करता है तो केले की पहले से 4 इकाइयां छोड़ देता है और इस तरह से 6 और 2 का एक जोड़ा बन जाता है और हमारे पास बी पॉइंट हासिल हो जाता है। फिर स्टूडेंट्स आम की एक मजीद इकाई लेता है यानी 3, तो 3 इकाइयां जो है केले की छोड़ देता है और 6 से 3 पर आ जाता है और इस तरह से हमें सी पॉइंट हासिल होता है।
फिर आम की एक मजीद इकाई बढ़ाता है और चार इकाइयां जो है वो आम की लेता है और केले की दो इकाइयां जो है वो छोड़ देता है और हमें डी पॉइंट हासिल होता है। इस तरह से स्टूडेंट्स ए बी सी और डी पॉइंट को मिलाने से जो खत बनेगा उसको हम आईसी खत या खत अदम तरजीह कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था खत अदम तरजीह बेसिकली क्या होता है, सारफ के तवाजन का जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है और जो तरतीबी अफादे का नजरिया है वो यही है कि सारफ जो है वो अपनी तस्कीन को तरतीब देता है। तो इसके बाद जो है हम सारफ के तवाजन को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इस नजरिए के मफरूजात जो है उनको डिस्कस कर लेते हैं कि इस नजरिए की बुनियाद किन मफरूजात पर रखी गई है। क्योंकि जब भी हम माशियात में कोई कानून कोई नजरिया पेश करते हैं तो उससे पहले कुछ शराइत को फर्ज कर लेते हैं कि जब तक ये शराइत जो हैं वो अगर ऐसे ही रहती हैं स्टूडेंट्स जैसे हमने फर्ज किए हैं तो नजरिया सही साबित होता है। उसमें सबसे पहले नंबर पर है बाशऊर सारिफ, यानी इस नजरिए को पेश करने से पहले ये फर्ज किया गया है कि जो सारिफ है वो बाशऊर और अकलमंद है, वो बिला सोचे समझे खर्च नहीं करता और अशिया की बाजारी कीमतों और अपनी आमदनी को पेश नजर रखते हुए तस्कीन का बुलंद मियार हासिल करना चाहता है। यानी वो अपनी आमदनी को मुख्तलिफ अशिया पर इस तरह से खर्च करता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा तस्कीन हासिल हो सके। फिर सेकेंड नंबर पर स्टूडेंट्स तरतीब वार अफादा है, यानी सारफ ने जिन अशिया को खरीदना है उन्हें उसने मुख्तलिफ जोड़ों में तरतीब दिया हुआ है। तीसरे नंबर पर साकिन कीमतें हैं, इस नजरिए में ये भी फर्ज किया गया है कि सारफ अशिया की कीमतों से बाखबर है और खरीदारी के दौरान कीमतें जो हैं वो यकसा ही रहती हैं, यानी उसमें तब्दीली नहीं आती। फिर स्टूडेंट्स सारफ का जो है वो इंतखाब में साबित कदम है, यानी अगर वो दो जोड़े खरीदना चाहता है ए और बी और ए अगर उसके लिए ज्यादा तरजीह याफ्ता है ज्यादा तरजीह का हामिल है और बी कम तरजीह का हामिल है तो हमेशा ए जोड़े को बी जोड़े पर तरजीह देगा। ऐसा नहीं होगा कि कभी वो ए को बी पे तरजीह दे दे और कभी वो बी जोड़े को ए पे तरजीह देता है। तो इंतखाब में साबित कदमी इसमें फर्ज की गई है नजरिए में। फिर स्टूडेंट्स तकलीली मुख्ततिम शरा इस्तबदाल, स्टूडेंट्स आपने देखा खत अदम तरजीह को बयान करते हुए कि दो अशिया के दरमियान जो तबादले की शरह है वो मुख्ततिम शरह इस्तबदाल कहलाती है। यानी आम की एक मजीद इकाई जब यहाँ पे हासिल की गई, आम की एक मजीद इकाई यानी एक से दो इकाइयां दूसरी इकाई पर गया, यानी एक मजीद इकाई जब आम की हासिल की तो केले की चार इकाइयां छोड़ी यहाँ पर। इसी तरह से जब आम की दो से तीन यानी एक मजीद इकाई का चेंज आया है, एक मजीद इकाई हासिल की तो केले की तीन इकाइयां छोड़ी हैं यहाँ पर। उसके बाद जब तीसरी से चौथी इकाई हासिल की आम की तो सारफ ने तीन से एक यानी दो इकाइयां केले की छोड़ी है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हर बार केले की एक मजीद इकाई हासिल करने के लिए सारफ केले की आम की एक मजीद इकाई हासिल करने के लिए सारफ केले की पहले से कम इकाइयां छोड़ रहा है। पहले उसने चार छोड़ी, पहले से दूसरे जोड़े के दरमियान, दूसरे से तीसरे के दरमियान तीन और तीसरे से चौथे के दरमियान दो इकाइयां छोड़ी। इससे हम कहेंगे कि जो सारफ की आम और केले के दरमियान तबादले की शरह है जिसको हम मुख्ततिम शरह इस्तबदाल कहते हैं वो गिरती जा रही है, यानी वो कम होती जा रही है। तो इसे इसलिए इस कानून को पेश करते वक्त कानून तकलीले मुख्ततिम शरह इस्तबदाल जो है वो फर्ज की गई है, वो इस कानून की बुनियाद तकलील मुख्ततिम शरह इस्तबदाल पर रखी गई है। और खते अदम तरजीह के मुहद्दिब होने की वजह यानी इस खत के इस तरह होने की वजह यही है कि मुख्ततिम शरह इस्तबदाल गिरती है। फिर स्टूडेंट सारिफ की तरजीह शय की ज्यादा मिकदार के लिए, सारफ शय की ज्यादा मिकदार को उसकी कम मिकदार पर तरजीह देता है, इसलिए ऊपर वाला खत अदम तरजीह ज्यादा तस्कीन की सतह को जाहिर करता है और नीचे वाला खत अदम तरजीह कम तस्कीन की सतह को जाहिर करता है। फिर इस नजरिए में ये भी फर्ज किया गया है कि सारिफ बहुत से सार्फिन में से एक है, यानी मार्केट के अंदर कोई वाहिद खरीदार नहीं है बल्कि उस किसी भी शय को खरीदने वाले बेशुमार हैं और सारिफ चाहता है कि वो मुख्तलिफ अशिया की इस कदर इकाइयां खरीदे कि उसे ज्यादा से ज्यादा तस्कीन हासिल हो।
सार्फ की पसंद और आदत नहीं बदलती। सार्फ के रवैये का तजिया करते वक्त ये फर्ज कर लिया जाता है कि एक मुकर्रर अरसे के दरमियान सार्फ की पसंद आदत और आमदनी जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, वो कांस्टेंट रहती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे इस नजरिए के मफरूजात और खते अदम तरजीह जो है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो है इसका नजरिए को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे तरीके से लर्न कर लें। अल्लाह हाफिज़।